जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रो मुस्लिम हैं। इन्होंने बकायदा तौर पे स्टेटमेंट दिया कि आज तक 76 साल में कोई भी इंडिया का लीडर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया, इतना प्रो मुस्लिम नहीं आया जितना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। कि सऊदी अरबिया के जो खुर्शीद साहब है, शायद आपके यहाँ जाने वाले थे ना, हमारे यहाँ तो 4 दिन रह गए, 6 घंटे के लिए आपके यहाँ जाने वाले थे, टाटा बाय बाय कर दिया पाकिस्तान को, हमारे यहाँ 4 दिन रह गए। मैं औरत हूँ, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है कि मैं औरत हूँ, मैं सीना चौड़ा करके कहूंगी कि मैं औरत हूँ और मैं भारत की बेटी हूँ, मैं चांद तक पहुंच सकती हूँ और चांद के कोने पे बना शिव शक्ति। iPhone 15 जो अभी आज लॉन्च हुआ है वो पाकिस्तान में कम से कम 7 लाख रुपए का होगा, कम से कम, अरे मतलब छोड़ लेना, हो सकता है। हम जो 5 रुपए में लक्स लक्स साबुन यूज करते हैं वो आप खरीदते हैं 25 रुपया में। आपके नहीं, यहाँ तो जो 25 रुपए में भी कोई जो साबुन नहीं डाबर आमला आएगा। तेल है वो फेक आता है, डाबर आमला तेल, क्योंकि अदाकाराएं हमारी होती हैं, उस फोटो पर अदाकाराएं हमारी होती हैं, ऐसे ही है, उसी को आप ज्यादा महंगे दाम में खरीदते हैं। हम जो 12 लाख में गाड़ी खरीद लेंगे, आप उसको देख के 25 लाख 50 लाख का बोलिएगा। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ना झूठ का चूरन बेचने की बहुत बुरी आदत और बड़ी बड़ी दिलचस्प आदत लगी है। हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले ये सोचते हैं कि कौन से झूठ का चूरन हम बेच सके। ठीक है, इसी यही रीजन है कि दांत की साड़ियां दी गई हैं, पश्मीना शॉल दिया गया है, भगवत गीता दिया गया है, नटराज की मूर्ति दी गई है, उसके बाद जूट के चप्पल दिए गए हैं, उसके बाद फिर जो उडेन उडेन की जो लकड़ियां आती है, लकड़ियों की जो पेंसिल आती है वो दी गई है, बहुत बड़े करप्शन से सेफ्टी होती है, पिक पॉकेट जो होता था उससे बहुत बड़ी सेफ्टी होती है क्योंकि कैशलेस है, सिर्फ कार्ड हमारे पास, कार्ड भी अब रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोन पे होता है, यूपीआई हो जाता है, गूगल पे हो जाता है, तो इन सब चीजों से बहुत सारे क्राइम से भी हम लोग, खैर अभी अब तो अभी शायद मुझे, अब तो मैं कंफर्म हो गई हूँ शोएब कि अल्लाह आप लोगों से नाराज हो गया है, मैं इस चीज पाकिस्तान के देश से अल्लाह ही नाराज हो गया है। आपकी इस बात से मैं सेकंड करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि भाई वाकई में जो हमारी हरकतें हैं, हम आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ हमारा रवैया है, शायद वाकई में ऊपर वाला हमसे नाराज हो चुका है। अभिजीत मित्रा जी हैं, काफी ज्यादा फेमस हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, मुझे किसी ने सेंड किया, उन्होंने बोला मोदी जो हैं वो प्रो मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में कुछ और बताया जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप भी मुस्लिम हैं तो आप तो ज्यादा डिटेल से बताएंगे कितना जुल्म होता है आप पे। इसके मैं 10 डिटेल्स आपको दूंगी, एकदम बुलेट पॉइंट करके मैं दे दूंगी ताकि सही अप्रोप्रिएट मैसेज सबके पास जाए। जी वाकई में ये बात भारत के मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा उड़ाया है। कुछ ऐसे भारत में पॉलिटिशियंस और मुस्लिम्स बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने हमेशा हमेशा से हमेशा मोदी जी को टारगेट किया है। 9 साल में झूठ का चूरन फैलाने में ये कभी भी पीछे नहीं रहे हैं, और यही रीजन है कि देखिए भारत के मुसलमान कभी भी भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल पाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कभी भी भारत के मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम नहीं कहते हैं, दारुल हर्ब कहते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है हाउस ऑफ पीस और दारुल हर्ब का मतलब होता है हाउस ऑफ वॉर। तो वो हाउस ऑफ वॉर, ये जो भारत के मुसलमान है वो यहाँ हिंदुस्तान को हाउस ऑफ वॉर के नाम से पुकारते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, कश्मीर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहले कश्मीर में क्या था, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक क्या था, जवान लड़कों के हाथ में AK-47 था, बच्चों के हाथ में पत्थर था, यासिन मलिक था, JKLF टेररिस्ट की पार्टियां थी भाई। और अब मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन वहां होता है, अब वहां G20 की समिट होती है, अब वहां बहुत सारे कॉन्क्लेव्स होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने ओथ लिया था और भारत के वो प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि मदरसे में बच्चों के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुसलमान पसमांदा भी आगे आए। दूसरी दूसरी चीज, उन्होंने एक योजना निकाली थी, शादी शगुन योजना, जिसमें शादी शगुन योजना में क्या है कि जो भी बेटियां ग्रेजुएट कर रही हैं उनको 51,000 रुपए आगे की शिक्षा के लिए उनको रकम दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तीसरा, चौथा मैं आपको बता रही हूँ, कारीगर योजना।
देखिए, हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में कारीगरी का की क्रेडिबिलिटी होती है, अच्छा पेंटिंग करते हैं, अच्छी सिलाई बिल्कुल करते हैं, अच्छी बुनाई करते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके कारीगर योजना उन्होंने निकाला। पांचवी चीज मैं बता रही हूँ कि उन्होंने एक योजना निकाली, सीखो और कमाओ, जिसमें 75% एम्प्लॉयमेंट का हक उन्होंने मुसलमान बच्चे और बच्चियों को दिया है। उसके बाद निकली ईद योजना, जिसमें 50% मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है कि वो आगे की शिक्षा वो आगे बढ़ा सकती हैं। हमें तीन तलाक से छुटकारा मिला। पॉलीगेमी हलाला के लिए मैं हर हफ्ते दिल्ली दौड़ते रहती हूँ, उसको भी बैन करने के लिए। हज कोटा, यही हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के जो बादशाह हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा सा मेमोरेंडम को साइन करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने तमाम महिलाओं के लिए जो जीएसटी 15% दिया जाता था उसको 8% लेकर के आए और हज की यात्रा को बहुत नॉर्मलाइज किया। नौवीं बात मैं आपको बता रही हूँ कि 1500 साल के बाद मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो हज यात्रा अकेले भी जा करके कर सकती हैं, किसी मर्द की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के घर जाने के लिए अल्लाह काफी होता है बचाने के लिए। पर लेकिन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो मर्द होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मैं बात करता क्या चलूं, अभी तक यहाँ कहा। पे ये चीज अलाउ नहीं है। नाजिया जी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। आपने ये तो ये चीजें सारी डिस्कस की, आपने बात की कि भाई इतनी इस तरीके से स्कीम्स जो सी हैं वो लॉन्च की गई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आपने ये चीजें बताई। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, G20 का मेंबर नहीं लेकिन फिर भी इन्वाइट किया गया। इजिप्ट की बात करें, इस्लामिक कंट्री है, G20 का मेंबर नहीं फिर भी इन्वाइट किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें सऊदिया की, तो सऊदिया के साथ जितना मेगा प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा अगर हम ईरान और अफगानिस्तान की बात करें, ईरान और अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके से रिलेशन है वो भी सबके सामने है। ये चीजें, और इवन तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो वहां पर भी हेल्प के लिए जो है वो प्रॉपर टीम में भेजी गई, इवन मिशन दोस्त एक लॉन्च किया गया। अभी एक और मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है वहीं उसको लेकर भी अनाउंस किया गया है हेल्प के लिए। तो ये चीजें अब सबके सामने, सिर्फ इंडिया वालों के सामने, भारत वालों के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जो इमेज एक बिल्ड करने की कोशिश की गई, या पाकिस्तान में जो चीजें हमें बताई जाती रही, देखें जो हमें बताया जाएगा दिखाया जाएगा हम तो वही समझेंगे, जब तक हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में नहीं देखेंगे। क्या कहेंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड जिस तरीके से रिलेशन बेहतर कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ना झूठ का चूरन बेचने की बहुत बुरी आदत और बड़ी बड़ी दिलचस्प आदत लगी है। हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले ये सोचते हैं कि कौन से झूठ का चूरन हम बेच सके। ठीक है, इसी यही रीजन है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश होते हुए आज कहीं नहीं दिख रहा है। बद से बदतर हालात है, भीख मांगने के हालात है, और हिंदुस्तान के मुसलमान जिसको जिसको इतनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, पर वो अपने इसी झूठ के चूरन से कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि सऊदी अरबिया के जो खुर्शीद साहब है, शायद आपके यहाँ जाने वाले थे ना, हमारे यहाँ तो 4 दिन रह गए, 6 घंटे के लिए आपके यहाँ जाने वाले थे, टाटा बाय बाय कर दिया पाकिस्तान को, हमारे यहाँ 4 दिन रह गए। कुछ स्टेट्स के भी उन्होंने विजिट किए हैं। हम बिजली के लेन देन की भी बात हो रही है, एक बहुत बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन को लेकर के बात हो रही है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पहले भी सेमीकंडक्टर को लेकर के एक प्रोजेक्ट की बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, और सोलर हब का काम जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कई गांव खेड़ों में भी ऐसा स्टार्ट हो चुका है। खैर, अब तो हमारे भारत में गांव बोल करके कुछ रहा ही नहीं है, बड़े शहर और टाउन हो चुके हैं, गांव बोल करके तो कुछ बचा ही नहीं है। मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, टीम भी इतनी मतलब जबरदस्त टीम है, पूरे पांडवों वाली टीम है, तो बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। और जिस हिसाब से सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब ने अपनी खुशी का इजहार किया है, और जाते जाते, मैं उस वक्त दिल्ली में ही थी, जाते जाते भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितनी खुशी मुझे भारत आकर के हुई है, ये इस खुशी को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश बना है जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहां कोई भी मतलब तफरका नहीं दिखाया गया है। कई बहुत वो कोशिश कर रहे थे 1955 की बात कहने की, पर
पर वक्त की कमी की वजह से 1955 की बात नहीं कह पाए। 1955 में जब सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आए थे तो नेहरू ने सारे के सारे मंदिरों पे चद्दर लगवा दिया था और झूठा लाई लाहा का पर्दा लगवा दिया था बैनर छपवा करके। तो उस वक्त सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस 1955 में नाराज हुए थे कि आपने अपनी प्रथा को छुपाया क्यों, आपने अपनी प्रथा को ढका क्यों। वहां पर भी अपने संस्कार को, अपनी प्रथा को, अपने ज्ञान को, अपने ग्रंथों को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है। उठने, सोने, जागने, चलने, फिरने, बातचीत करने में और अपने अपनी बातों को रखने में भी पूरी की पूरी भगवत गीता संस्कार संस्कृति दिखाई दी। यहाँ तक के जिस प्लेट में और जिस प्याले में और जिस गिलास में खाना परोसा गया था, सोने और चांदी के प्लेटों में, उसमें भी पीपल के पत्ते, कमल के फूल और मोर का पूरा नक्श बना हुआ था। तो यही वजह है मैं औरत हूं, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं कि मैं औरत हूं। मैं सीना चौड़ा करके कहूंगी कि मैं औरत हूं और मैं भारत की बेटी हूं, मैं चांद तक पहुंच सकती हूँ और चांद के कोने पे बना शिव शक्ति, साउथ पोल पर बना शिव शक्ति। तो उसी तरीके से सनातनी इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो अपने पूरे सनातन धर्म को प्रेजेंट करके दिखाए कि हम ये हैं। अगर आपको स्वीकार है तो वेलकम, नहीं स्वीकार है तो कोई बात नहीं है। लेकिन इवन सबने आपको स्वीकार किया, आज ऐसे ही है। पूरा जी देश, एक सेकेंड, जी 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 आज ये पूरी दुनिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पूरी टीम, इस भारत के नागरिक और G20 समिट को मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल में भी नहीं भूल पाएगी। इतिहास रचा है भारत के प्रधानमंत्री ने इस G20 समिट। ऐसा ही है। और खास तौर पे अभी ही मैं कुछ ही टाइम पहले न्यूज़ देख रहा था कि प्रॉपर जो गेस्ट आए थे G20 में, उन्हें जो गिफ्ट दिए गए हैं वो साड़ियां दी गई हैं। इसके अलावा मतलब जो इस तरीके से एक वहां का जी साड़ियां मैं बता रही हूँ आपको, तांत की साड़ियां दी गई हैं। हमारे जितने स्टेट है ना, उसमें बहुत आर्ट और कल्चर है, बहुत आर्ट और कल्चर है। तांत की साड़ियां दी गई हैं, पश्मीना शॉल दिया गया जी है, भगवत गीता दिया गया है, नटराज की मूर्ति दी गई है, उसके बाद जूट के चप्पल दिए गए हैं, उसके बाद फिर जो उडेन उडेन की जो लकड़ियां आती है, लकड़ियों की जो पेंसिल आती है वो दी गई है। तो जितने भी हमारे संस्कार हैं उसी का एक पूरा बकेट बना करके उनको, हैम्पर बना करके उनको गिफ्ट दिया गया है। ठीक हो गया। और इससे देखें G20 की मीटिंग से जहां पर भारत ने बहुत सा फायदा लिया, एक तो अपना इमेज सबसे बड़ा जो बड़ी बात है, इमेज पूरी दुनिया में उनका एक इमेज सॉफ्ट इमेज गया। उसके अलावा बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। इसके अलावा जो मैं मेन चीज समझता हूँ, उनका कल्चर पूरी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज तक जा पहुंचा है। ऑलरेडी भी मौजूद था लेकिन अब जो उनसे प्रॉपर जा पहुंचा है। नाजिया जी एक और खबर है, आपने मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करें। अब से ये आज ही iPhone 15 लॉन्च हुआ है और वो मोस्टली मेड इन इंडिया है। पहले हम देखते थे मेड इन चाइना या इस तरीके से, जिस तरीके से अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो उनसी हैं पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। खासतौर पर अगर चाइना की बात करें तो चाइना इस चीज को लेके बहुत परेशान हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कौन परेशान हो रहा है, कौन परेशान नहीं हो रहा है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने फोकस पर हैं, हम अपने फोकस पर हैं। जबरदस्त भारत बहुत तरक्की याफ्ता है, भारत बहुत सक्सेसफुल है, पर और आगे जाना है। अभी दौड़ बहुत लंबी है, अभी आसमान छूना है, अभी जो है ना ये तिरंगा झंडा अभी तो चांद पर गया है, लहराया है, सूरज पर लहराएगा, उसके बाद वेनस पर लहराएगा। हमारी सोच बहुत आगे है। हम हमेशा कहते हैं कि हम कल्पना नहीं करेंगे, हम सपने नहीं देखेंगे तो हम ऊंचाइयों को छुएंगे कैसे। मेरे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है कि अब हमारे यहाँ, हमारे इस भारत की धरती पर मेड इन इंडिया की चीजें विदेश जा रहा है, विदेशी लोग लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें दीजिए, हम अपने देश में इसको इस्तेमाल करेंगे। हालिया में ग्रीस को आपने देखा था, वो आए थे, यूपीआई का पूरा उन्होंने मेमोरेंडम करके उन्होंने बायलेटरल रिलेशन किया। तो बिल्कुल फ्रांस को देख लो आप, तो उसी तरीके से आईफोन भी हमारे भारत का है, आईपैड जो हम लोग यूज करते हैं वो भी हमारे भारत का होगा,
और इससे भारत के नागरिक को बहुत सहूलत होगी। जो हम लोग खरीदते थे 1,40,000 1,50,000 में, उसमें कहीं ना कहीं 35% पैसा हम लोगों का बचेगा, और मैं थर्टी आपको फाइव बता परसेंट दूं, अभी आज ही मैं इसी आईफोन के ऊपर वीडियो, मतलब इस जो न्यूज है इसके ऊपर वीडियो पब्लिक रिएक्शन लेके आया, और मोबाइल मार्केट में क्या था, उन्होंने ये बोला है कि आईफोन 15 जो अभी आज लॉन्च हुआ है वो पाकिस्तान में कम से कम 7 लाख रुपए का होगा, कम से कम, अरे मतलब छोड़ लेना, हो सकता है। हम जो 5 रुपए में लक्स लक्स साबुन यूज करते हैं वो आप खरीदते हैं 25 रुपया में। आपके नहीं, यहाँ तो जो जो 25 रुपए में कोई डाबर साबुन नहीं आमला आना। तेल है वो फेक आता है, डाबर आमला तेल, क्योंकि अदाकाराएं हमारी होती हैं, उस फोटो पर अदाकाराएं हमारी होती हैं, ऐसे ही है, उसी को आप ज्यादा महंगे दाम में खरीदते हैं। हम जो 12 लाख में गाड़ी खरीद लेंगे, आप उसको देख के 25 लाख 50 लाख का बोलिएगा। हम जो बाइक यहाँ पर 50-55 हजार की बिकती है, वो वहां पर आप उसको देखिएगा तो कहिएगा कि विदेश की बाइक है, पर वो एक्चुअली में मेड इन इंडिया की बाइक है। तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैंने कहा ना, जिम से जिहाद और जिम से जाहिल, तो जहां पर इनका जमकड़ा ज्यादा रहेगा तो वहां पर तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए शोएब, कि पाकिस्तान में तो मदरसे में तो साइंस पढ़ाते नहीं है ना, तो आपके यहाँ साइंटिस्ट आएंगे कहाँ से? कंप्यूटर पढ़ाते नहीं है तो कंप्यूटर इंजीनियर आएंगे कहाँ से? तो आएंगे नहीं तो ये सब बनेगा कैसे? फिर ऐसे आप कहेंगे कि नहीं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम कंप्यूटर कैसे पढ़ेंगे, हम साइंस कैसे पढ़ेंगे? तो रहिए जैसे हैं, वैसे ही रहिए। इसमें कोई शक नहीं है। और अब हम तो एक प्रॉपर सेशन करते हैं, मतलब ऑन दी कैमरा जो सी चीजें सामने आती है, मैं आपको बताता चलूं, देखने वालों को बताता चलूं कि अब हम प्रॉपर एक टीम बनाने वाले हैं, बल्कि बना चुके हैं ऑलमोस्ट, के मुख्तलिफ सिटीज में हम जाएंगे, वहां पे जाके डिस्कशन करेंगे। देखें, मैं हमेशा यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता रहूंगा, ऐसे में मुझे ऐसा फील आता है कि शायद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी। प्रैक्टिकली मुझे चेंज लाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक का उतना कसूर नहीं है जितना कि हमारी गवर्नमेंट का या उन लोगों का है जिन्होंने 76 साल पाकिस्तान में हुक्मरानी की। पब्लिक जब तक उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, उन्हें सच का नहीं पता होगा, वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। नाजिया जी, अब हम लोग जाते हैं, हम जाके आने वाले टाइम पे प्रॉपर कंपेन स्टार्ट करने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में ये कंपेन स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे बात करनी है, सबसे पहले हमें अपने नेबर के साथ, भारत के साथ रिलेशन बेहतर करने। और ये ओपनली मैं करूंगा, मतलब ये कंपेन करूंगा, आप लोग देखेंगे। मैं भी मुझे मतलब मैं कर सकूं या ना कर सकूं, पहले दिन ही रोक दिया जाए, लेकिन हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। नाजिया जी, नेदरलैंड के पीएम, उन्होंने भी यूपीआई की तारीफ की। यूपीआई का थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे बताइएगा, मतलब मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में भी मोबाइल के ऊपर जो है देखो वो इजी पैसा, जैज कैश, मतलब हम पैसे यहाँ वहां भेज सकते हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि फर्क क्या है, मतलब यूपीआई में और वैसे मोबाइल ट्रांसैक्शन में? यूपीआई इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू ट्रांसफर योर मनी इन एंटायर वर्ल्ड इन 1 सेकेंड, इन ओनली 1 सेकेंड। और सबसे अच्छी बात, पैसा लेने वाले का भी कोई पैसा कटता नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वक्त बहुत ज्यादा बच जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी जो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, वो अगर बैंक में जाएंगे, क्योंकि उनके परिवार वाले दूर रहते हैं, तो अगर वो बैंक में जाते हैं, वहां पर लाइनें लगाते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उनके उनका बहुत वक्त जाता है। तो इसकी वजह से यूपीआई एक बहुत बेस्ट और इजिएस्ट वे आया है कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरा बेटा अगर लंदन में है या अमेरिका में है, तो मैं जस्ट यूपीआई कर रही हूँ और वो वहां से पैसा ले रहा है और उसका कोई पैसा कट भी नहीं रहा है। हम लोग जस्ट फोन से ऐसे स्कैन करते हैं और हम पेमेंट कर देते हैं। हमें कैश कैशलेस ये पूरा भारत हो चुका है, हमें कैरी करने की जरूरत नहीं होती है कैश, हमारे फोन में कैश होता है, हम बस स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी आसानी है, और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें किसी का पैसा कहीं पर कोई कट ही नहीं रहा है। और करप्शन से भी बच जाते हैं, करप्शन से भी, मेरे ख्याल से करप्शन और इन चीजों से भी आप लोग जो बहुत है। बड़े करप्शन से, बहुत बड़े करप्शन से सेफ्टी होती है। पिक पॉकेट जो होता था उससे बहुत बड़ी सेफ्टी होती है, क्योंकि कैशलेस है, सिर्फ कार्ड हमारे पास, कार्ड भी अब रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोन पे होता है, यूपीआई हो जाता है, गूगल पे हो जाता है। तो इन सब चीजों से, बहुत सारे क्राइम से भी हम लोग, जनता जो है वो भारत की बची हुई है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी जो जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया है। हमारे पैसे, हमारा धन, हमारा दौलत बहुत बहुत सेफ हो चुका है, बहुत ज्यादा सिक्योर हो चुका है भारत।
ठीक है, जबरदस्त नादिया जी। देखें, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हम ज्यादातर टॉपिक, बल्कि ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक हम कवर करते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो वो इंडिया की अचीवमेंट के हवाले से, या जो भी इंडिया पाकिस्तान को लेके कोई न्यूज आती है। अब तो मैं ये सोचने लगा हूं कि अगर मेरे जैसा एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा एक आम शहरी इतनी नजदीकी से ये चीजें देख रहा है, जितनी तेजी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जितनी तेजी से इंडिया चांद पे जा पहुंचा है, क्यों नहीं समझ आती हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को? क्यों नहीं समझ आती हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, या उन लोगों को जो पाकिस्तान को चला रहे हैं? आज भी अगर हम अपनी ईगो को, अपनी झूठी अना को साइड पे रखें, अपनी गलतियों को माने, और इसके अलावा अपनी जो हिस्ट्री है, जो हमारा पीछे से माजी है, उसके साथ अगर हम लिंक हों, अपने रिलेशन बेहतर करें नेबर के साथ, तो मैं ये समझता हूँ आज भी हमें, जैसे श्रीलंका को डिफॉल्ट होने के बाद बावजूद भी इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, तो अभी तो हम डिफॉल्ट भी ऑफिशियली नहीं हुए। आज हमें काफी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ, अगर हम रिलेशन बेहतर करें तो हमें बचा सकते आप हैं तरक्की इतना। करेंगे शुएब तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा ना। लेकिन आप बहुत आप शिक्षित हो से जाएंगे, एडुकेटेड हो जाएंगे तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लामिक कंट्रीज हैं जो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, जो मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा वो रहे क्योंकि हैं। वो जिन्ना का बनाया हुआ, क्योंकि शुएब वो जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ नहीं पढ़ते हैं ना। ये तो पाकिस्तान के मुसलमान पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। ठीक वो है तो नादिया जी, खुर्शीद साहब को आपके जिन्ना के शरिया लॉ से क्या मतलब है, क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो है नादिया जी, लेकिन एक बात पे मैं आपको भी, मतलब यह कि देखें, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, यहाँ पे बात करने का मतलब ये होता है कि दोनों की ओपिनियन आगे आ सके। आप बार बार, आपने ये बोला कि पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, मेरी अक्सर हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी बात होती है, वो तो बड़ा मतलब ये कहते हैं कि हम लॉयल हैं अपने कंट्री के साथ, अपना बड़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग, मतलब यहाँ से भी वहां से भी कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, मोस्टली पॉजिटिव सोचते हैं? नहीं, मोस्टली जो है 8% सुन्नी मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान की दुर्दशा को खराब करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है। पारसी नहीं, अहमदी नहीं, बरेलवी नहीं, वहाबी नहीं, शिया नहीं, बौद्ध नहीं, या क्रिश्चियंस नहीं। माइनॉरिटीज में तो 14% है ना, और 14% में ये सारे आ रहे हैं, ऐसे ही है। बहुत सारे आ रहे हैं। तो 8% सुन्नी मुसलमानों को आप ने ये बीड़ा उठाया है अपने कंधे पर कि हम हिंदुस्तान की शांति को भंग करेंगे। लेकिन देखिए, योजनाओं का मजा लेते हैं, यहाँ की सुकून शांति का मजा लेते हैं, पूरा लाभ उठाते हैं, बैंक के इंटरेस्ट उठाते हैं, स्कॉलरशिप अपनी बेटियों से उठवाते हैं, यहाँ की सारी योजनाओं का जितना इंटरेस्ट होता है सब कुछ लेते हैं। जितनी योजनाएं आती हैं वो कैसे उनको मिल सकता है उसका भी पूरा प्लान सेट करते हैं, और फिर साथ साथ मोदी जी को कैसे डिफेम करना है, मलाइन करना है और पाकिस्तानियों को खुश करना है वो भी वो कर लेते हैं। ये 8% सुन्नी मुसलमान, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि आप उनसे पूछिए कि अगर आप कुरान के इतने मानने वाले हैं तो सारे मजार तोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा कुरान कहता है। और बैंक में जो पैसा रखते हैं वो पैसा का इंटरेस्ट मत लीजिए ठीक अगर आप पक्के मुसलमान हैं। अरे मुझे नाजिया को गालियां देने से क्या हो जाएगा? आप अपने अंदर की बुराइयों को, अपने मैल को ठीक कीजिए ना। हमें गालियां देने से क्या क्या मिलता है? मैं तो वैसी की वैसी भली चंगी हूं। अब आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट हार गया, लोगों ने टीवियां उठा उठा करके तोड़ी, सनी देओल के गदर मूवी पर टीवियां तोड़ी पाकिस्तान ने, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला भाई। सनी देओल तो बहुत सारा इनकम करके पूरा बॉक्स ऑफिस का पर्दा फाड़ करके वो कमा के बैठ गया। तो ये जो बेवकूफाना हरकतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखें, अच्छे बुरे लोग, हर एक मजहब, हम इसमें ये अगर टैग लगा देंगे